आपका सबसे पुराना घर? गांव का सबसे पुराना, गांव का सबसे पुराना घर। भैया ऐसे कुछ सिक्किम के आपको पुराने घर कुछ ऐसे मिलेंगे, कुछ इस तरह के घर है यहाँ पे। बाजे बाजे बाजे, हाय, क्या हाल है आपके? नमस्ते, हाउ आर यू बाजे? तमाई से भेटा करा, मजा ही ना आया। जय गोरखा, जय गोरखा। ये सुअर का मांस है? तो ये सुअर का मांस यहाँ जो रखा हुआ है, इधर कोल्ड होगा ना। अच्छा, खाने के लिए है? सो ही गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन यूट्यूब चैनल। मैं विकास नेगी स्वागत करता हूँ फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ इंडियंस में। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सिक्किम में। सिक्किम में एक बहुत ही खूबसूरत अच्छी जगह है जिसको बिगमत बोलते हैं, और बिगमत में ना काफ़ी सारे, मतलब पोस्ट ऑफिस को बिगमत है, ग्राम पंचायत बिगमत में काफ़ी सारे छोटे छोटे गाँव हैं। अभी जो हमारा कॉटेज है ना, हम ऊपर रुके हुए हैं, होम स्टे हमारा ऊपर है, और अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। जो मेन बिगमत गांव है ना, हम आपको वहां लेके जा रहे हैं। अभी हम ऑलरेडी आपको दो गांव दिखा चुके हैं। एक गांव में हम शादी में आपको लेके गए थे, दूसरा हम आपको अपने गांव में घुमाया था, और अब हम आपको लेके चल रहे हैं बिगमत गांव में, जो कि यहां का मेन और बड़ा गाँव है ना, वहाँ आपको लेके चल रहे हैं। और आपको मिलवाएंगे यहां के लोगों से, दिखाएंगे उनका कल्चर, और बताएंगे कि क्या सोचते हैं आप लोगों के बारे में। तो अभी हम बिगमत जा रहे हैं, और ऐसे कुछ हम जा रहे हैं सारे लोग बैठ के गाड़ी में। तो ऐसे कुछ रास्ते हैं अब गांव के, काफ़ी ना हम इनर साइड में जा रहे हैं, तो आपको देखिएगा कि रोड थोड़ा थोड़ा कच्चा पक्का आपको मिलेगा यहाँ पे। ऑफ रोड, ऑफ रोड ऊपर लकड़ी का स्कूल है ना। ये छोटू का स्कूल है, यहाँ पे पढ़ते हो आप अभी? यस। मिलके आपकी मैडम से? एग्जाम चल रहे भाई के, मैडम बोलेगी पढ़ नहीं रहे तुम, घूम रहे हो। ऊपर में, अच्छा ऊपर ही पुराना, वो आपका पुराना गांव है? हां, मेरा पुराना घर है। अच्छा, पुराना घर, पुराना जब मेरा मां बाप उधर है। तो यार हम लोग ना गाड़ी में बैठे हुए हैं, और ऐसी काफी मस्ती चल रही है, और भैया लोग ना हमें ना अपनी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, और हमको भी बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे अभी ये लोग बता रहे थे हमें कि बोजू बोलते हैं, जैसे कोई फीमेल ओल्ड लेडी होती है ना आपकी फैमिली में कोई भी, उन्हें बोजू बोलते हैं, और कोई फीमेल मेल जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उन्हें बाजे बोलते हैं नेपाली लैंग्वेज में। सही बोल रहा हूँ ना? मेरे लैंग्वेज में बाजे को जो बाजे है ना, अजियो बोलता है। अजियो लेप्चा लैंग्वेज, लेप्चा में अजियो, अजियो अजियो अजियो। अच्छा, और वो जो है ना उसको निकुंग बोलते हैं। निकुंग 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 निकुंग। आज भाई साहब हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ससुर जी हैं आपके दादा? यस। तो ससुर जी को आप अपने दादाजी बोलेंगे? बाजे बाजे बाजे, हाय, क्या हाल है आपके? नमस्ते, हाउ आर यू बाजे? हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। अभी मिलते हैं घर पे, आपके आपके घर भी जा रहे हैं हम लोग, चाय पीने के लिए आ रहे हैं आपके घर। तो यार हम लोग बिगमत पहुंच गए, और जो नॉर्दर्न भैया हमको लेके आए ना, ये उनका गांव है, उनकी साली यहाँ रहती है, उनका ससुराल यहाँ पे है। तो आपको लेके चलते हैं और आपको घुमाते हैं बिगमत गांव। तो चलिए हमारे साथ और मज़े लीजिए सिक्किम राइड के, विलेज लाइफ के, और लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, और आपको दिखाते हैं बिगमत गांव। कैसा लग रहा मौसी के घर आके? कितने दिनों बाद आ रहे हो? लाइक वन मंथ हो गए, एक महीने बाद। अरे रे, बहुत बढ़िया। तो भैया ये है नॉर्दर्न भैया का ससुराल, उनके ससुराल में आ गए हैं आज। क्या हर किसी ने जेरिन का फोटो बनाया क्या? फिट तो है, हाँ फिट ना, वो फिट ना। अच्छा, और यहाँ क्या मोरी पाते हैं क्या? ऐसा कुछ इनका गांव है, और यहाँ पे भी ये लोग, ये भैया सुअर, ये सुअर बड़े हष्ट पुष्ट लग रहे हैं। नहीं देखे ना, तो ये देख लीजिए भैया, इस तरीके से यहाँ पे सुअर का पालन भी होता है। नमस्ते, आप तो देखे देखे से लग रहे हो। जैसे देखा। नमस्ते, नमस्ते, अच्छा बढ़िया, बढ़िया। नमस्ते बोलते होंगे? नमस्ते, ये आपका घर होगा? अच्छा, आप उनकी ये सासू जी? मौसी जी ना। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हो? आप हिंदी नहीं आता होगा। नमस्ते आंटी जी। कस्तु छन? ठीक है, तमई कस्तु छन? तपई तपई कस्तु, तपई कस्तु छन। आपका सबसे पुराना घर? गांव का सबसे पुराना, गांव का सबसे पुराना घर किसका है? आपका ही है? ससुराल, ससुराल का। तो यहाँ पे अभी रहते हैं? रहते तो भैया ऐसे कुछ सिक्किम के आपको पुराने घर कुछ ऐसे मिलेंगे साउथ सिक्किम में,
अगर आप आओगे घूमने तो ऐसे पुराने पुराने घर भी आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से लोगों ने यहाँ पे लकड़ी के घर ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि लकड़ी का जो घर होता है ना वो ठंडा रहता है गर्मियों में और गर्म रहता है सर्दियों में। कुछ इस तरह के घर हैं यहाँ पे, बड़े सुंदर सुंदर घर हैं यार। और ऐसे लोग सारे लोग ऐसे डेकोरेट करके रखते हैं अपने घरों को, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बिल्डिंग किस चीज़ का बना होता है यहाँ पे घर? पूरा मिट्टी और लकड़ी का। मिट्टी और लकड़ी। पैसे पैसा आने वाला है, पैसे तो रखने चाहिए ना। हाँ आना चाहिए। चलिए जी चलिए चलिए चलिए, अंधेरा हो गया। यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा हो गया। एक औरत ने उठाया ये एक पिलर को। ये एक पिलर को एक औरत ने उठा के, एक औरत ने उठा के लगाया है। लगाया है। वो कौन थी वो औरत? वो पता नहीं गुजर गया है। तो ऐसा कुछ घर था इनका यार यहाँ पे, काफी अच्छे और पुराना घर जैसे होते हैं वैसे ही घर है यार। काफी अच्छा लग रहा है और काफी अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। क्या है ये क्या है? जातो बोलता है इसको। क्या बोलते हैं? जातो जातो मक्की पीसने के लिए। अच्छा इसमें ऊपर से डालते रहते होंगे और नीचे से माल पानी निकलता रहता होगा। अभी भी चक्की जैसा अभी भी यूज करते हैं आप लोग? यूज करते हैं। और ससुर जी भी आ गए? ससुर जी भी आ गए। हेलो नमस्कार तमी कस्तु छन। नमस्कार तमाई से भेटा करा मजा ही ना आया। मजा ए खुकरी हाल दे मैले हाल दे। क्या बोल रहे? फेंक ही दिया मैंने, छोड़ दिया वो दूसरी जगह छोड़ दिया है। ओके दिखाना एक बार। ये तो थोड़ा टूटा हुआ है। ये क्या है? ये क्या है भैया? ये खुकरी। एक बार दिखा। तो खुकरी अंकल जी ले गए थे अपने साथ। अंकल जी पकड़ना इसको एक बार। पकड़ी थी ना। हाँ अब बोलो एक बार जय गोरखा ली। जय गोरखा जय गोरखा जय गोरखा। क्या बात है, बात मतलब बिल्कुल लग रहा है कि सही हाथों में खुरकियां। खुरकी लामो उच मतलब लंबा। लामो 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 और भी लंबा हो गए और भी लंबे होते हैं बस ये। अच्छा बहुत बढ़िया। तमाई से भेंट करके मजा आए। ताला माटी में है नोस। ताला माटी इधर है। इधर सेकंड फ्लोर में। हाँ इधर है ये। चलिए यहाँ पर ये। अब आपको ना इनके फर्स्ट फ्लोर पे लेके चल रहे हैं ऊपर की तरफ और दिखाते हैं ना गांव में ना ऊपर के घर कैसे होते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह के घर है। ये 150 साल हो गया अंकल जी इसको। 150 इयर्स। ये सुअर का मांस है तो ये सुअर का मांस यहाँ जो रखा हुआ है इधर कोल्ड होगा ना। अच्छा खाने के लिए ताकि खराब ना हो। खराब ना हो तो भैया ऐसा ये सुअर का मीट है। दो दिन तीन दिन शायद रखा होगा, अब तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा ये सुअर का मीट है इनको, इसलिए इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ ताकि खराब ना हो। ऊपर का कमरा ठंडा रहता होगा, एसी जैसा एसी जैसा, ताकि खराब ना हो इसलिए इसको ऐसा रखा हुआ है। क्या अच्छा ये बोल रहे हैं कैसा है ना अहिले के जनरेशन ने चलाने के लिए अच्छा नहीं बोल रहा है इसलिए इधर रख दिया। अच्छा देखिए ये देखिए गाखरी है बहुत बड़ा है ना, बहुत भारी भी होगा। कितने किलो का होगा? कम से कम 40 किलो का होगा ये। कत के जी सर? कितना? 26 केजी बुचो से 1 केजी भन्छ एक्सेल भन्छ उहिले को 26 केजी का 26 केजी है ये एक्सेल का है। ये 1 किलो का जमाने का एक्सेल एक्सेल एक शेयर मतलब एक केजी में। एक केजी में कति कमती हुन्छ? एक केजी में थोड़े से कम है। पहला का शेयर बोलता है केजी से थोड़ा सा कम। अच्छा अच्छा मेरे ख्याल में 900 ग्राम। ओके ऊपर ये लकड़ी का है। कुछ इस तरह का इनका घर था। आपको देख के अच्छा लगा होगा, आपने पहले कभी नॉर्थ साउथ सिक्किम का घर ना देखा होगा। तो ऐसे कुछ घर होते हैं यहाँ पे पहाड़ों में सिक्किम में। क्या नाम है इसका? रेशी। हिंदी भी नहीं आता था इस बंगाली टीचर को। बंगाली को हाँ। और नेपाली तो क्या आएगा उसको हाँ। है ना, सिर्फ बंगाली आएगा ऐसे हाँ। आया दो दिन रहा घर पे ऐसे सब कुछ शाम के रात के टाइम में
उस वक्त ऐसे ऐसे में हाथ जलता था है ना, बैठे तंबाकू है ना, तंबाकू पता है ना, तंबाकू पता पता होता है, वो तंबाकू इधर पता पता मिलता है, पहले मिलता था उसको इधर, यहाँ के लोग नेपाली लोग बंगाली बोलता है ना, और एक गोजू ने बोला है ना, ए कान्छी कान्छी भने छोटी बच्ची को, जा का खुकुरी लेके आओ, नेपाली में बोला जा जा गोरा खुकुरी लेके आओ, बंगाली काट्नु छ, बंगाली काटना पड़ेगा। अच्छा उसने समझ लिया अब मुझको काटेगा ये लोग। उसने सोच लिया कि मुझे अब बंगाली मुझको ही काटेगा। मुझको मत काटना, मुझको मत, आए ना 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 बंगाली काटेंगे बोलता है, फिर ना मुझको मत काटना। उधर रात को ही भाग के घर छोड़ के निकल गया हूँ। बुजू से मिलके बहुत अच्छा लगा। चले? और आप बहुत अच्छे हो, या अपने नाक में पहन रखा, तो क्या बोलते हैं डुंगरी, तो इन्होंने जो नाक में पहन रखा ना खूबसूरत सा, इसको डुंगरी बोलते हैं। सुने हो, इसको बोलते हैं सुने हो, मंगलसूत्र सुने हो बोलते हैं इसको। तो चलते हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुमरे क्या बोलते हैं, वेट करो, जरूर मिलेंगे। नमस्ते 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 नमस्ते। अच्छा अंकल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। एकदम बढ़िया ना। अच्छा बुजू बाय बाय। बाजे बाजे बाय बाय। बुजू बोलते हैं फीमेल को और बाजो बोलते हैं मेल को। बाय बाय। बाकी इस टाइम कुछ ऐसा मौसम है यहाँ पे, नीचे वैली देखो पूरा फॉग फॉग आ गया, बहुत खूबसूरत भी लग रहा है यहाँ से। सुबह के टाइम में दिखता होगा यहाँ पे बिल्कुल साफ, फिर शाम के टाइम तो पूरा कवर हो जाता है। काफ़ी ऊंचाई पे है इस टाइम हम तो। ये जो आप देख रहे हो ये सामने अभी तो बंद है, ये मिल्क कलेक्शन सेंटर है, जो लोग यहाँ पे अपने गाय पालते हैं, भैंसों नहीं पालते यहाँ पे, मैंने देखा है लोग, तो जो लोग गाय का दूध वूध निकालते हैं ना, तो यहाँ पे सेंटर में सबमिट कर देते हैं अपना सारा दूध, और फिर यहाँ से आगे डेयरियों में जाता होगा। और ये भाई यहाँ का मंदिर है, मंदिर ये सुब्बा जाति का मंदिर है। सुब्बा जाति का, सुब्बा जाति नेपालियों में ही होती है, नेपाली में ही होती है, लेकिन जैसे मैं नेपाली में हूँ, आप राय हो, राय हो, वो लेप्चा है, लेप्चा है, ऐसा ही वो सुब्बा है, सुब्बा उनका मंदिर है, मंदिर है। तो यहाँ पे सुब्बा लोग ज्यादा रहते होंगे इस एरिया में, तभी यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, मंदिर है। सुब्बा मार्ट हिम, एक साथ मिलके पूजा पाठ करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे ना। इधर में एक क्या होगा, पंडित होगा, पंडित एक पुजारी, पुजारी पुजारी होता है, कि बोलते ना आप लोगों की लेप्चा अलग है और आप लोगों की थोड़ा अलग है, आपकी अलग है, ऐसा है। मतलब यहाँ पे काफी अलग अलग जातियाँ रहती है, उनकी लैंग्वेजेस भी अलग अलग होती है। आप राय हूँ, राय में मांगपा बोलते हैं, मांगपा पुजारी को, लेप्चा में बुंथिंग, बुंथिंग बुंथिंग बुंथिंग। अभी तो बंद होगा टेम्पल, नहीं सुबह खुलता है। ओके, युमा मांग हिम बोलते हैं, युमा मांग हिम, युमा मांग हिम। तो बाकी ये टेम्पल तो हिंदू टेम्पल है ना, हिंदू टेम्पल ही है जी। ओके, तो ऐसा कुछ ये टेम्पल है। हेलो भैया कैसे हैं? ये हमारे गांव का भाई है, गांव का भाई हैं, कैसे हैं आप? ये आपका नीचे घर, ये इसका घर है, ये जितना जमीन है ना, उसी के पापा पापा ने दिया है। ओके, इसके लिए आप सुब्बा नहीं हो? सुब्बा ही, आप भी सुब्बा है। तो भैया अब लोग, अब हम लोग जा रहे हैं भाई के स्कूल में, ये छोटू यहीं पढ़ता है, 10th क्लास में है, और बहुत अच्छा फोटोग्राफर, बहुत अच्छी फोटोग्राफी करता है, और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। चैनल का नाम रोंगकू ब्लॉग्स, रोंगकू ब्लॉग्स, यस, स्पेल कर दो एक बार, आपको नहीं समझ में, RONGKUP ब्लॉग्स। यहाँ का स्कूल छोटा है बट पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, स्कूल अच्छे हैं। बाकी यार यहाँ के लोग काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि गाँव है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप गाँव में हो, लोगों को समझ देख के, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मॉडर्न हैं, आप इनके पहनावे से और इनके बोलने के तरीके से, बात करने के तरीके से ना, आप समझोगे कि ये गाँव के, मतलब जैसा और जगह बोला जाता है कि गाँव देहात, तो ये वो वाला गांव देहात नहीं है, ये मॉडर्न गांव है सिक्किम के। और ये कुछ स्कूल है इस तरह का, वो ये ओल्ड स्कूल है, ये ओल्ड स्कूल है, पुराना वाला ये होगा शायद, देखो ऐसा है पहला का स्कूल,
मीटिंग हुआ था शायद इसलिए यहाँ पर है। ओके, ये कुछ ऐसे सिक्किम के स्कूल हैं भाई। अच्छा, ये पुराना पुराना है बिल्डिंग है। ओके, सबसे पहले बना हुआ, अभी ये नया स्कूल है। खोल लूं? तो ऐसा कुछ स्कूल है यार, बोर्ड लगा हुआ है अच्छा सा। तो भाई ये है कुछ इंडिया का मैप, और जी ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये सिक्किम है। अब इसको सिक्किम को मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये सिक्किम का मैप है, और अभी हम ना हम लोग यहाँ से एंटर किए थे, फिर हम यहाँ पे आए। अभी हम वेस्ट नहीं गए हैं और अभी हम नॉर्थ नहीं गए हैं, बस हमने दो स्टेट ही कवर करी हैं अभी तक सिक्किम की, बाकी वेस्ट और नॉर्थ अभी बाकी है। क्या पता हम इसी ट्रिप में इसको कवर कर लें, या तो आने वाले टाइम पे दोबारा आएंगे। नॉर्थ काफ़ी बड़ा है अपने में, और नॉर्थ में आपको बहुत कुछ दिखाने के लिए। हेलो भैया जी, कैसे हैं आप? हेलो, क्या नाम है आपका? लक चिरिंग लेप्चा भाई का नाम है, और ये स्कूल के सामने ही रहते हैं। आपका शॉप है ये, आपका घर? मेरा शॉप नहीं, मेरा भैया का शॉप है। आपके भैया का शॉप है। ये देखो यहाँ पे मुर्गी, मुर्गी बहुत छोटा छोटा नहीं आपका मुर्गी, बच्चा है ये? बच्चा, मुर्गी का बच्चा। कितना बेचारे की गर्दन, पता नहीं किसके पेट में जाएगा ये। वो देखो ये वाला, ये फूल फूल क्या बनता, बड़ी वाली इलायची, बड़े होकर ये इलायची बन जाएगा। यस, बड़ा वाला इलायची जो होता है, जब इसका फूल मेटल होते हैं उसके एग्जांपल देने का मतलब। तो भाई ऐसा इलायची, ये ना बाद में बन के ना ऐसा हो जाएगा सूख के, और ये इलायची होता है, और ये सारा इलायची लगा हुआ है, इलायची होता है इसकी जड़ों में। ये देखिए ये इलायची है। यहाँ पे सिक्किम में लगभग आपको हर घर में ना ऐसी प्लांटेशन मिलेगी, ऐसी पॉलिथीन के बैग्स में ना ऐसी प्लांटेशन की होती है। तो यार इस ब्लॉग को ना हम यहीं क्लोज करें, लेकिन ब्लॉग क्लोज करने से पहले ना मैं सबसे पहले यार छोटू आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आप हमारे साथ में आए, अपने हमारी जर्नी को बहुत खूबसूरत बनाया अपने खूबसूरत चेहरे के साथ में। नाइस टू मीट यू, आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और ये हमारे नॉर्दर्न भाई और हमारे अर्जुन सर, हम लोग खुद से घूम रहे होते ना, तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम इतने अंदर जाते, इतनी जड़ों में घुस जाते सिक्किम के, ये पॉसिबल नहीं था। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू आप सबको कि आपने हमको इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। तो चलिए यार इस ब्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं, आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में, एक नई डेस्टिनेशन के साथ में। तब तक के लिए यार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए घुमक्कड़ इंडियंस। पप्पा है।